नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप बेहद सुंदर, मोहक, अलौकिक, कल्याणकारी और शांतिमय है। माता चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचांद विराजमान है, जिस कारण उन्हें चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति वह समृद्धि प्रदान करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा संसार के न्याय व अनुशासन स्थापित करती है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का वैवाहिक रूप है। शिवजी से विवाह होने के बाद माँ ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया था, इसीलिए माँ पार्वती को माँ चंद्रघंटा के नाम से भी जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार है और वो धर्म का प्रतीक है। उनका शरीर चमकीला सुनहरा है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा भी करती हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा और भक्ति करने से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। बताया जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला भी अर्पित कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और नवरात्रि के तीसरे दिन माता के पूजन करते समय माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग भी लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।